हे गाइस, आप सबको पता ही होगा कि मिस मार्वल के बाद मार्वल की नेक्स्ट सीरीज आने वाली है शी हल्क, और अब तक आपने शी हल्क का ट्रेलर भी देखा ही होगा। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने शी हल्क के ऑल लव इंटरेस्ट और हुकअप्स के बारे में। और हाँ, अपने शी हल्क थोड़ी रंगीन मिजाज की होने के कारण आज का वीडियो थोड़ा नॉटी होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द मूवी टेल्स। तो सबसे पहले लिस्ट में आते हैं अपने टोनी स्टार्क। अब सबको पता ही है, अपने टोनी भैया जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय और फिलान्थ्रोपिस्ट होने पर भी लड़कियों के मैटर में उनका दिल पिघल ही जाता है। तो शी हल्क कॉमिक के इशू नंबर 17 में जेन वॉल्टर नजर आई थी अपने आयरन मैन के साथ, और शी हल्क की हिस्ट्री हीरो से ज्यादा विलन्स के साथ हुकअप करने में रही थी। इसी कारण राइटर्स ने सोचा कुछ अलग करते हैं और शी हल्क को अब हीरोज के साथ मिलाते हैं और उसकी बिगड़ी इमेज को सुधारते हैं। सच में यार, राइटर्स का नशा तो देखो। कहां से आते हैं? इन दूसरे नंबर पे आता है जगरनॉट। हाँ, जगरनॉट के साथ भी बोला था ना, अपनी जेन को हीरो से ज्यादा विलन्स ही पसंद आते हैं, और मार्वल की इसी हरकत के कारण उनको शी हल्क की इमेज को बचाने के लिए पूरी स्टोरी को ही रिबूट करना पड़ा था, और कहना पड़ा कि वो जगरनॉट के साथ वाली शी हल्क किसी अलग ही यूनिवर्स की थी। तीसरे नंबर पे आता है हरक्यूलस। अब हम जेन को हरक्यूलस की फैनगन बोले तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि सेंसेशनल कॉमिक में हमें दिखाया गया था कि शी हल्क हरक्यूलस को अपना ड्रीम मैन मानती थी, और इसी स्टोरी लाइन में हमें शी हल्क को हरक्यूलस को लेके फैंटेसी रखते दिखाया गया था, और दोनों मिले भी थे। बट शी हल्क हरक्यूलस की पर्सनैलिटी के कारण डिसअपॉइंट भी हुई थी, लेकिन उसने हरक्यूलस के साथ वाली रिलेशनशिप को नहीं थोड़ा था। देन 14 नंबर पे आता है अपना गॉड ऑफ थंडर थॉर। हाँ, तो 2018 की एवेंजर्स इशू नंबर 4 में हमें इन दोनों की प्यार की पहली झलक देखने मिली थी। देन इसी कॉमिक सीरीज के इशू नंबर 11 में थॉर जेनिफर को एक सेवेज आइलैंड पे डेट पर लेके जाता है, वो भी डायनासोर्स के सामने। तभी शी हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में होती है। एंड फाइनली कुछ सालों बाद 2020 की कॉमिक फैंटास्टिक फोर एम्पायर फॉलोआउट के इशू नंबर 1 में थॉर और शी हल्क ने ऑफिशियली रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। एंड 5वें नंबर पे आता है लूक केज। अब तुम लोग या फिर हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा किस चीज की बेट लगाएंगे? पैसा, ज्वेलरी या फिर और भी कुछ छोटी छोटी चीजों की? बट कॉमिक में अपने भाई साहब लूक केज ने शी हल्क के साथ एक बेट लगाई थी कि अगर वो जीता तो शी हल्क को उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा, और वो मान भी जाती है। और भाई, अब लूक केज तो डेट पर जाके सिर्फ खाना तो खाएगा नहीं, समझ रहे हो आप? तो इंसान हो गया, दो गॉड्स हो गए, देन एक म्यूटेंट भी हो गया, अब एलियंस क्यों पीछे रहे? तो 6वें नंबर पे आता है स्टार फॉक्स, वही अपने बैगन का भाई। तो ऐसा था कि स्टार फॉक्स पर एक केस चल रही थी और उसमें उसकी लॉयर थी अपनी जेन वॉल्टर। एंड आपको पता ही होगा स्टार फॉक्स के पास लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर्स है, और ऐसे ही उसने जेन को भी मैनिपुलेट किया था। लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि उसने जेन को मैनिपुलेट तो किया था, लेकिन हुकअप्स के लिए नहीं, बल्कि ये जेन की खुद की मर्जी थी। अब शी हल्क की ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, सो इसकी लिस्ट भी अपनी काफ़ी लंबी है, लेकिन हमने सिर्फ फेमस कैरेक्टर्स को ही एक्सप्लेन किया है। अब मार्वल वाले इस सीरीज में इस कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कैसे दिखाते हैं, ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और कॉन्टेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।